शहर मुड़ जा, मच्छर आने वाला है, फिर चंबे चिपेगा। अबे क्या बकरा है, कौन मच्छर? अबे हमारा मैथ्स का सर खड़ा है क्लास के बाहर। यार शर्म करो, उस्ताद है हमारे, ऐसे मच्छर ना कहा करो ने। तू बड़ा तप रहा है, मच्छर तेरा अब्बा तो नहीं है? बाप का मजाक नहीं है साले। किसका? मेरा। ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू, जीते रहो। मिल बेटा, तो छुट्टी टाइम मिल। फड्डा करना है, तप्पड़ है तो इधर ही करना, जो खाड़ना है वो खाड़ ले। इधर नहीं, तू बाहर मिल, बाहर मेरा इलाका है। इलाका कुत्तों का होता है वैसे। नाज़रीन ये है अरहम। हम सभी की क्लास में एक ना एक अरहम जरूर होता है। पूरी क्लास की रौनक, हर एक से पंगे लेना जिसका मशगला, पढ़ाई में तेज और हर टीचर का बुरा ख्वाब। ओके क्लास, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सबक पढ़ेंगे और मैं लाया हूँ आपके लिए वो सारी ट्रिक्स जिससे आप कभी भी कोई भी फार्मूला नहीं भूलेंगे। सर एग्जाम में फॉर्मूला शीट नहीं मिलेगी। बेटा एग्जाम हॉल है, आपने अब्बू का शादी हॉल नहीं है। साइलेंस। अच्छा तो बच्चों, ये फार्मूला याद रखने की ट्रिक देखें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक एंड सम टीचर्स हैव नो हेयर। साइलेंस। कौन था ये? आप लोग के वालदैन ने आपको कोई तमीज नहीं सिखाई? क्लास में एक से एक फनकार और कारीगर होता है। इंक पेन्स लीक होने की वजह से हर किसी के हाथों पर स्याही के निशान होते हैं, और दौरान सबक अगर कलम की स्याही खत्म हो जाती तो साथ वाले के पेन से ही कुछ इंक टो कर लेते। मुझे याद है कि क्लास के एक दो शाह बच्चों के पास महंगा सा पार्कर का पेन होता था, और कुछ के पास डक्स के कार्ट्रिज वाले पेन होते थे, लेकिन अकलमंद लोग ज्यादा इंक स्टोरेज वाले डॉलर के 717 और SP10 पेन ही रखते थे। अबे पागल क्या कर रहा है? इसम तराशी। क्या नाम लिख रहा हूँ अपना कंपस से? मत खराब कर यार चेयर को, क्या कर रहा है? फिर चल टॉयलेट चलते। क्यों भाई? दीवारों पर गालियाँ लिखेंगे। पागल हो गया क्या? अजीब डिस्ट्रक्टिव माइंड है तेरा। शेरम स्टॉप टॉकिंग। सॉरी मिस। आप सब खामोशी से अपना काम करें और सीधे होकर बैठ जाएं। प्रिंसिपल इज ऑन द राउंड। झूठ तो ना बोले मिस। शेरम बिहेव। सॉरी मिस। गेट अप, गो एंड सीट एट द लास्ट बेंच। यार इधर ना बैठ, बिगड़ जाएगा लड़के। पहले ही बिगड़ा हूँ यार। ITP में आएगा वो? क्या इज्तमाई टुल्ला पार्टी? ये कौन सी पार्टी है? अपन लोग की पार्टी है, तेरा दोस्त अरम भी है। अपन लोग साथ क्लास में तफरी करते हैं, टीचर को तपाते हैं, और महीने में 2-4 बार बंक भी मारते हैं, और जिस दिन टुल्ले का सीन हो तो सारे साथ छुट्टी करते हैं। आहिस्ता बोल यार, मैम सुन लेंगी, फिर उसके बाद क्लास से बाहर निकाल देंगी। अबे चंपक क्वेश्चन क्यों लिख रहा है? बुक में लिखे है ना साले, आंसर्स भी पूरे पूरे लिखता है। हाँ तो? अबे बीच से लाइनें खा जा ना, बुक में सब तो लिखा है, वहीं से पढ़ लियो बाद में। Get out of the class. कहा है ना सबको, no talking. Get out. क्यों जाऊँ क्लास से बाहर? फीस तो देता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। सही हॉट परस्यूट सिनेरियो होता जब टीचर की फुल स्पीड से बोर्ड पर लिखाई चल रही हो और आप बाय द टाइम उसे एक साइड से कॉपी कर रहे हो, बोर्ड ही मिट जाता। सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाए बस। सर अब क्योंकि क्लास में तो काम कंप्लीट होता नहीं था, तो कॉपी चेकिंग के लिए देने से गुरेज ही करता। यार अरम तेरा काम कंप्लीट है? हाँ कंप्लीट है। अपनी कॉपी घर के लिए दे दे यार, काम कंप्लीट करना है। हाँ ले 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 ले, पर मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, समझ नहीं आएगी तुझे। मुझे खुद समझ नहीं आती। अच्छा फिर रहने दे, मैं शाज़िब से ही ले लेता हूँ। फिर आज ही ले ले, परसों टेस्ट है, कल कोई नहीं देगा। और मेरी मान काम कंप्लीट ना कर, फोटोकॉपी करा ले। स्कूल में एक ठरकी सर जरूर होते हैं जो फीमेल टीचर्स के सामने फालतू के एक्शंस मारते हैं, और जो ही क्लास में प्रिंसिपल आती हैं तो एकदम से बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और ऐसे इंग्लिश में बात शुरू कर देते हैं जैसे उर्दू में तो आज तक उन्होंने किसी से बात की ही ना हो। इससे भी मजाइया यादें तो पेरेंट टीचर मीटिंग्स की है यार। आपका बच्चा तो बहुत ही केयरलेस है एजाज साहब, सारे टेस्टों में फेल है ये। ये क्या है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुमने तो कहा था कि पेपर अच्छे हुए हैं। मुझे तो लगा था कि अच्छे हुए हैं, लेकिन ये तो मैं फेल हो गया। झूठ बोल रहा है जा साहब, रिजल्ट तो कब का आ चुका हुआ है, इसने घर बताया ही नहीं। क्या है ये सब? पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एजाज साहब आराम से। यार अरम आओ बोल जानी। यारी तेरा रिजल्ट हमेशा इतना अच्छा कैसे आता है? क्लास में सारा shovel.com तो तुमने लगाया होता है, सारा वक्त टीचर्स को भी तंग तुम करते रहते हो, और आए दिन हर नए लड़के से तेरा फड्डा चल रहा होता है। ये पढ़ाई के लिए तू कौन सा जादू करता है यार? कौन से नोट्स यूज करते हो? और तेरे पास कंप्यूटर है? हाँ है। इंटरनेट भी है तेरे पास? हाँ है। तो भाई कौन से टाइम में रह रहा है, कौन से दौर में रह रहा है? क्यों क्या हुआ? अबे यार अपने कॉन्सेप्ट्स तू यूट्यूब से पक्के किया कर, साथ में खान अकेडमी है उससे पक्के किया कर, और नोट्स और पास पेपर्स कहाँ से पकड़ते हो? अबे यार क्या चरिया आदमी है तू।
हूँ। tutorial.pk का नहीं पता? हाँ पता है। तो यूज करना घुंचू, सारे बोर्ड्स के पास पेपर्स पढ़े, MCQs पढ़े, नोट्स पढ़े, जाके यूज कर। तो तू किसी एकेडमी नहीं जाता? अबे नहीं भाई, सारे पैसे स्मार्ट वर्क के, तू भी स्मार्ट वर्क किया कर यार। कुछ बच्चे तो ऐसे जंगली होते थे ना, तफरी और शुगल के चक्कर में कभी क्लास के पंखे तोड़ देते तो कभी क्लास की डेस्क तबाह कर देते। प्लेग्राउंड में दो लड़कों का झगड़ा होता और 100 बच्चे तमाशाई बनकर फड्डा फड्डा के नारे लगाते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्कूल में गुजारे 10 सालों की मंजर कशी महज 10 मिनट में करना आसान नहीं। वो क्लास टीचर का शर्म दिलाने के लिए दूसरे सेक्शन की मिसालें देना, वो टीचर से छुपकर हमारा क्लास में जंक फूड खाना, वो कंप्यूटर गेम्स की सीडीज का किताबों के सफों के दरमियान छुपाकर एक्सचेंज करना, और वो एग्जाम के आखिरी दिन इंक फाइट करना, सभी ख्वाब लगता है यार। बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग कि जिनकी दोस्ती उनके स्कूल के दोस्तों के साथ स्कूल के बाद भी कायम रहती है। वरना सच ये है कि स्कूल के दोस्तों से ताल्लुक की बरकरारी लाजिम नहीं है। दुनिया की हर चीज ही वक्ती है, वक्त के साथ साथ दोस्ती भी वैसी नहीं रहती। अब जाहिर है क्योंकि स्कूल के बाद हर शख्स की अपनी जिंदगी आगे एक अलग राह पे निकल पड़ती है। रोजमर्रा की मसरूफियात बदल जाती हैं, पैशंस बदल जाते हैं, एंड ओवरऑल जिंदगी की सिमटी बदल जाती है। ऐसे में अक्सर पुराने दोस्तों से रेलेवेंस का फैक्टर ही नहीं रहता, क्योंकि सच ये है कि उनके शौक बदल गए होते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उन दोस्तों से आपके ताल्लुकात खराब हो गए। हकीकत में स्कूल के लोगों के आपस में इंटरेस्ट बदल चुके होते हैं, और मेरे ख्याल से यही जिंदगी का नाम है। हर मोड़ पे कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जाते हैं। हमें इस बात की गारंटी तो नहीं है कि किसका साथ हमारे साथ कितने अरसे तक रहेगा, लेकिन उन लोगों के साथ वो अरसा कैसा गुजरता है इसका अख्तियार जरूर हमारे हाथ में है। तो क्यों ना आज हम जिन लोगों के साथ पढ़ रहे हैं या जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अपना वक्त उनके साथ ऐसा गुजारें कि आइंदा आने वाले वक्तों में अच्छी यादों का हिस्सा बन जाए। इसी ख्याल के साथ आज के लिए शहरम को इजाजत दें।